मैं कमल किशोर मिश्रा और के मिश्रा निवासी 5/8 लेवर कॉलोनी दादानगर थाना गोविंद नगर का निवासी हूँ। मुझे सन 1984 के सिख विरोधी दंगे में राजनीतिक द्वेष के कारण निर्दोष फंसा दिया गया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का 50 सालों से कार्यकर्ता हूँ और कई पदों पर रह चुका हूँ। इस समय भी मैं कानपुर उत्तर जिले का कार्य समिति सदस्य हूँ। मुझे निर्दोष जेल भेज दिया गया था। जेल को मैं पहले एक प्रताड़ना का केंद्र समझता था, लेकिन जेल में जाके मैंने देखा कि वहाँ के श्री पांडे जी सुप्रिंटेंडेंट साहब एवं श्री प्रशांत कुमार उपाध्याय जी डिप्टी जेलर द्वारा बंदियों के सुधार के कई कार्यक्रम चलाते रहते हैं, जिसमें एक कार्यशाला 15 दिन की यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की चलाई गई, जिसमें कानपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्री भानु प्रताप सिंह जी के द्वारा वो कार्यशाला चलाई गई। वो इतने अच्छे लेक्चर देते थे और मानव को जीवन जीने की कला सिखाते थे कि किस तरीके से मनुष्य अपना सही तरीके से जीवन यापन कर सकता है और अपराध की दुनिया से दूर रखे कैसे जीवन जी सकता है। तो उनकी कार्यशाला से प्रेरित होके तमाम बंदियों ने समापन समारोह के दिन खड़े होके सौगंध ली, कसम खाई कि अब मैं जेल से जाने के बाद कोई भी आपराधिक काम नहीं करूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा और जो मैंने मन में अपने दुश्मनी की भावना पाल रखी है वो सारी की सारी त्याग के सही जीवन खुद जीऊंगा तथा समाज को भी संदेश दूंगा। जेल के अंदर सुप्रिंटेंडेंट साहब श्री पांडे जी एवं श्री प्रशांत कुमार उपाध्याय जी डिप्टी जेलर जो निरंतर बंदियों के सुधार के कार्यक्रम जेल के अंदर कराया करते हैं और वास्तव में इस कार्यशाला से बंदियों का हृदय परिवर्तित हो गया है। जो बदले की भावना थी वो ख़त्म हो गई है और मैंने भी उसी समय ये सौगंध ली कि अब मैं जेल से जाकर जिस इंस्पेक्टर के विषय में हम सोच रहे थे कि इसको ये कर देंगे वो कर देंगे, तमाम उल्टी सीधी बातें दिमाग में चल रही थी वो सब मैंने त्याग दी और वहीं मैंने जेलर साहब के सामने और श्री प्रशांत कुमार उपाध्याय जी के सामने ये सौगंध खाई कि अब कोई बदले की भावना मन में नहीं रखेंगे, जाके उस इंस्पेक्टर को 1 किलो मिठाई देंगे। तो मैं जेल से आके इंस्पेक्टर को मैंने फ़ोन किया, उससे मैंने कहा कि मुझे मिठाई देनी है। तो पहले तो वो थोड़ा सहमा कि ज़रूर कोई ना कोई वो बदले की भावना से फ़ोन कर रहा होगा, लेकिन जब मैंने बताया कि जेल के अंदर मैंने ये ट्रेनिंग की है और इसमें आप पूछ लीजिए वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट साहब से श्री प्रशांत उपाध्याय जी से, मैं उनके सामने कह के आया हूँ कि मैं आपको मिठाई दूंगा, तब उसको यकीन हुआ। और जिस तरह की जेल में ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की कार्यशाला चलाई गई, मैं
शासन से, प्रशासन से, यूपी सरकार से ये अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप जेल के अंदर बंदियों के खाने पीने की व्यवस्था तो सब करते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू वाला कोर्स यूपी की सारी जेलों में चलाया जाना चाहिए, जिससे वास्तव में बंदी का मन बदल जाता है और वाकई में बंदी सुधर जाता है। तो मैं पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इस तरीके का कार्यक्रम सारी जेलों में चलाया जाए। धन्यवाद।